गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल टच द स्काई इंस्टीट्यूट। बच्चों आप लोग कैसे होंगे? आशा करते हैं कि सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन को 100% फॉलो करते होंगे। बच्चों आज जो हमारा लेक्चर है वो थर्ड लेक्चर है क्लास 11th का। इससे पहले दो वीडियो लेक्चर क्लास 11th के लिए बनाए हुए हैं जिसमें कि ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बताए हुए थे और ट्रिगोनोमेट्री में कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे जिसका सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 2 में था। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं कैलकुलस पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं उसको जानते हैं। उससे पहले हम ये बोलना चाहेंगे कि लॉकडाउन खुलते ही हमारा ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगा, तो जिन बच्चों को एडमिशन लेना हो तो मेरे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं कि सर हम एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना थर्ड लेक्चर। तो बच्चों हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे। कैलकुलस को हम दो पार्ट में पढ़ते हैं, एक डिफरेंशिएशन और दूसरा एक है डिफरेंशिएशन और दूसरा है इंटीग्रेशन। ये बेसिकली मैथ्स में हम पढ़ते हैं, क्लास 12th में मैथ्स में पढ़ते हैं, लेकिन फिजिक्स में इसका यूज होता है इसलिए हम इसको बहुत बेसिक पढ़ते हैं और इसका एडवांस वर्जन जो हम पढ़ते हैं वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपना डिफरेंशिएशन, फिर हमारे अगले लेक्चर में इंटीग्रेशन के बारे में बताएंगे। डिफरेंशिएशन बस हम उतना पढ़ेंगे जितना हमारे फिजिक्स में यूज होगा, उससे ज्यादा हम नहीं पढ़ने वाले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक डिफरेंशिएशन। उसके बाद इस पे बेस्ड क्वेश्चन कुछ करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स को अच्छे से समझने के लिए। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को समझना मस्ट है। पहले तो हम ये समझते हैं कि आखिर डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन कहां लगता है, कब लगाएंगे, किस क्वेश्चन में लगाएंगे। तो जब कोई भी क्वेश्चन इक्वेशन फॉर्म में हो, जैसे कि y इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, ये देख रहे हैं कि ये इक्वेशन y और t के फॉर्म में है, तो यहां पे हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे कि कोई क्वेश्चन है x इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 3t, इसमें हम किसका यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा कि कहां पे कौन सा यूज होगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग डिफरेंशिएशन को बहुत हम मतलब शॉर्ट फॉर्म में पढ़ रहे हैं जितना हमको फिजिक्स में यूज होगा। ठीक है बच्चों, स्टार्ट डिफरेंशिएशन के बारे में देखते हैं, डिफरेंशिएशन को अच्छे से समझते हैं। बेसिकली इस डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है बहुत छोटा, यानी किसी भी चीज को बहुत छोटे फॉर्म में हम देखते हैं तो उसको डिफरेंशिएशन कहते हैं, और उसी छोटे 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 फॉर्म को अगर जोड़ के हम देखते हैं तो उसको इंटीग्रेशन कहते हैं। तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है, तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग है डीवाई बाई डी एक्स या डीवाई बाई डी टी या डीएक्स बाई डी वी, ये अकॉर्डिंग टू मतलब किसका इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग ये बनता है। अब ये है क्या, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन, या इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब जैसे कि यहां पे कोई इक्वेशन है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये कोई इक्वेशन है। यहां पे आप देखोगे एक्स के चेंजिंग होने से इस वाई में चेंजिंग होगा, यानी कि x के अलग अलग वैल्यू को यहां पे रखोगे। अगर x इक्वल टू 0 रखोगे तो y 2 आएगा, x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y का कुछ वैल्यू आएगा, x इक्वल टू 2 रखेंगे तो y का कुछ वैल्यू आएगा। तो यहां पे बोलेंगे क्या कि x को अगर बदलते हैं तो y क्या होगा, बदलेगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, dy by dx, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x को बदलने से y बदलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही dy by dt का मतलब क्या है, तो पहले तो ये समझेंगे हम कि ये dy by dt अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब y और t का इक्वेशन है, मतलब कुछ इस फॉर्मेट में हो सकता है y इक्वल टू टी क्यू प्लस 3t प्लस 4। ठीक है, तो यहां पे अगर dy by dt करते हैं तो ये y और t में इक्वेशन है, समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर t को बदलेंगे तो y बदलेगा, t का अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो y का अलग अलग वैल्यू आएगा। ऐसे dx by dv, तो इस टर्म से हम क्या समझते हैं कि ये इक्वेशन किसका होगा, x और v का होगा, x इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 3v प्लस 4, ऐसा कुछ होगा।
या x इक्वल टू वी स्क्वायर, कुछ भी x और v का इक्वेशन होगा। अब इसमें v को बदलेंगे तो x बदलेगा, तो ये क्या लिखा है dx by dv। जैसे आप पापा के रिस्पेक्ट में बदलते हैं, यानी कि आपके पापा अगर बदलते हैं तो आप बदलते हैं, तो आप क्या लिखोगे d बच्चा by d पापा। इसका मतलब इसको क्या पढ़ेंगे कि पापा बदलेंगे तो बच्चा बदलेगा, यानी कि इक्वेशन किसका बच्चा और पापा के बीच में देख रहा है। अगर इक्वेशन मदर और बच्चे में देखेंगे, मदर और बच्चे का इक्वेशन होगा, मदर इक्वल टू बच्चा का इक्वेशन है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, तो बच्चे के बदलने से मदर बदल रही है, इसके कहने का ये मतलब है, तो लिखेंगे डी बच्चा बाय डी मदर, सॉरी बच्चे के बदलने से मदर बदल रही है, तो डी मदर बाय डी बच्चा। समझ में आ गया? तो फिर से एक बार इसको समझा रहे हैं कि dy बाय dx का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। समझ में आ गया? dy बाय dt का रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू t। अच्छा, dy बाय dx में इक्वेशन किसका होगा, y और x का होगा, dy by dt में इक्वेशन किसका होगा, y और t का होगा, dx by dv में इक्वेशन किसका होगा, x और v का होगा। समझ में आ गया? तो dy by dx समझ में आ गया, rate of change in y with respect to x। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, dy by dx है ना, इसको हम लोग लिखते हैं y2 minus y1 बटा x2 minus x1। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि इसका सेंटेंस क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन y, यानी y बदल रहा है, ये फाइनल कितना है y, y2, और इनिशियल कितना है y1, यहां पे dy by dx, तो dy by dx को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के बदलने से ये क्या बदलेगा, y बदलेगा। dy by dx को मतलब y चेंज कर रहा है ना, तो आप इसको ऐसे देखो, मान लेते हैं ये एक ग्राफ है, यहां पे इसका y1 है और यहां पे इस ग्राफ का, यहां का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और यहां का कोऑर्डिनेट कितना है बाबू, x2 y2। तो यहां से ये डिस्टेंस कितना हो गया x1 और ये डिस्टेंस कितना हो गया x2, ये डिस्टेंस कितना हो गया y1 और ये डिस्टेंस कितना हो गया y2। अगर हम यहां पे एक ट्रायंगल बनाते हैं तो ये थीटा कुछ एंगल होगा, तो ये कितना हो गया y2 माइनस y1 और ये कितना हो गया x2 माइनस x1। तो dy by dx यानी कि y में चेंज हो रहा है, y में कितना चेंज है, y2 माइनस y1, तो यहां पे लिख सकते हैं y2 माइनस y1 बट्टा dx, x में चेंजिंग कितना है x2 माइनस x1, ठीक है। तो dy by dx को हम इतना भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? ये जो चेंज है ये बहुत नेग्लिजिबल चेंज है, जैसे आप समझ सकते हैं कि यहां पे 4.8 है और यहां पे 5 हो गया, तो कितना 5 माइनस 4.8 कितना हो गया 0.2, ये टेंड्स टू 0 यानी कि 0 के लगभग है ना, तो जब 0 के लगभग होता है ठीक है, तो हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, स्मॉल चेंज। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, स्मॉल चेंज। तो dy by dx को हम इतना भी लिख सकते हैं, और समझिए बात। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री के अकॉर्डिंग यहां पे देखोगे तो tan थीटा बराबर क्या होगा pyb, तो इसके ठीक सामने ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो y2 minus y1 बट्टा x2 minus x1। कहीं ना कहीं dy by dx को हम लोग tan थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस दोनों मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का ये वाला टर्म अगर इक्वल है तो ये वाला टर्म भी इक्वल होगा, तो dy by dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा भी लिख सकते हैं। और tan थीटा का मतलब क्या होता है, स्लोप। tan थीटा का मतलब स्लोप,
और ये स्लोप क्या है, स्लोप का मतलब होता है ढलान। जैसे कि अभी ये मार्कर ऐसे रखा हुआ है तो इसका स्लोप कहां है, इसका ढलान कहां है, तो कुछ नहीं है, जीरो। अब थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, जैसे ये ऐसे रखा हुआ है तो इसका स्लोप कुछ नहीं है। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, यानी कि ऐसे कर देते हैं, अब इसका स्लोप कुछ एंगल बना। अब इसको थोड़ा सा और मोड़ देते हैं तो अब इसका स्लोप इतना बना, इसको थोड़ा सा और मोड़ देते हैं तो अब इसका स्लोप इतना बना। तो स्लोप का मतलब क्या होता है, ढलान। और इसी स्लोप को हम लोग क्या कहते हैं, टैन थीटा। किसी भी कर्व में, गौर से सुनिए, किसी भी कर्व में जो हम लोग स्लोप ड्रॉ करते हैं वो टेंजेंट से ड्रॉ करते हैं। जैसे कि आप समझिए, जैसे ये कोई कर्व है, ठीक है, अगर इस पॉइंट पे हम स्लोप ड्रॉ करेंगे तो यहां से पहले एक टेंजेंट खींच दे। अब ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है तो कुछ थीटा वन बनाएगा। अब मान लेते हैं कि यहां से स्लोप खींचे तो यहां से टेंजेंट खींच दें, और टेंजेंट का मतलब क्या होता है, एक स्पर्श रेखा। तो ये एक्स एक्सिस से कितना, इतना थीटा टू। हम जानते हैं कि थीटा टू ज्यादा है थीटा वन से, तो इसका मतलब क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ दिस पॉइंट, इस पॉइंट का स्लोप जो है इस पॉइंट से ज्यादा है, ठीक है। ऐसे ही अगर यहां पे हम स्लोप ड्रॉ करना चाहते हैं तो स्लोप के लिए क्या करेंगे, टेंजेंट खींचेंगे किसी भी कर्व पे। अब ये एंगल एक्स एक्सिस से देखेंगे तो ये थीटा थ्री, तो हम लोग बोलेंगे थीटा थ्री इज ग्रेटर देन थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा वन। तो टेन थीटा, थीटा थ्री यहां पे डालेंगे, कुछ बड़ा एंगल होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इसका स्लोप क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आ गया, तो इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो डिफरेंशिएशन का बेसिक मीनिंग क्या हुआ, dy by dx, और dy by dx को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के रिस्पेक्ट में y का बदलना। dy by dx का मतलब क्या होता है कि y और x का इक्वेशन होगा। समझ में आ गया, इसी को हम लोग y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं, इसी को हम लोग tan थीटा भी लिखते हैं, और इसी को हम लोग स्लोप भी कहते हैं। तो ये है डिफरेंशिएशन। इससे पहले वाला जितना भी पोर्शन आपको समझाने के लिए यूज किए हैं वो बेसिकली यूज नहीं होता है फिजिक्स में, फिजिक्स में उसका कोई यूज नहीं है, वो मैथ्स में हम पढ़ते हैं, मैथ्स वाले स्टूडेंट उसको मैथ्स वाले सर बताएंगे उनको, ठीक है। हम लोग को जो काम है बस ये काम है, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन जो हम पढ़ते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि a इक्वल टू डीवी बाई डीटी, हम लोग जब एक्सरसाइज थ्री पढ़ेंगे फिजिक्स में मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, तो वहां पे एक इक्वेशन मिलेगा एक्सेलरेशन इक्वल टू डीवी बाई डीटी, ये फॉर्मूला होता है। तो डीवी बाई डीटी का मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी और टाइम का इक्वेशन होगा कुछ, ये वेलोसिटी और टाइम का इक्वेशन है। अब इस वेलोसिटी और टाइम के इक्वेशन में हम क्या निकालना चाहते हैं, एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो डीवी बाई डीटी करेंगे तो इधर भी डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टी स्क्वायर बाई डी टी, किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में, प्लस डी टी बाई डी टी प्लस डी वन बाई डी टी। तो ये डीवी बाई डी टी क्या दे देगा, एक्सेलरेशन, तो इससे एक्सेलरेशन निकल जाएगा। समझ में आ गया, तो ये है डिफरेंशिएशन का यूज फिजिक्स में। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला आपको यूज होगा फिजिक्स के हर एक क्वेश्चन में, जब कभी भी इक्वेशन वाला क्वेश्चन आएगा तो डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन का यूज होगा और उस फॉर्मूले का यूज होगा, उसको हम लोग देखते हैं। फॉर्मूला आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, आप उसको पॉज मार के लिख लीजिए, और यहां पे भी हम आपको फॉर्मूला समझा रहे हैं। हाँ तो बच्चों, ये हमारा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, इतने फॉर्मूला को आपको पहले याद करना होगा, तब हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे तो क्वेश्चन आपका आसानी से बनेगा। पहला जो फॉर्मूला है हमारा, d sin x by dx equal to cos x, इसका मतलब क्या है वो समझिए पहले। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि y equal to sin x दे दिया है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि y किसके बदलने से बदल रहा है, x के बदलने से, यानी कि x के अलग अलग वैल्यू पे y का अलग अलग वैल्यू होगा।
तो हम लोग क्या लिखेंगे, dy by dx या dx by dy? पहले तो ये समझे, हम लोग यहाँ dy by dx लिखेंगे या dx by dy? तो आंसर है dy by dx। क्यों क्यों नहीं dx by dy लिखेंगे? क्योंकि x के बदलने से y बदल रहा है, ठीक है? तो हम लोग क्या लिखेंगे, dy by dx। तो dy by dx, ठीक है, इसको समझिए। dy की जगह पे क्या, sin x by dx। यहां नीचे x क्यों लिखाया, क्योंकि x के बदलने से बदल रहा है ना, इसलिए। तो sin x का डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, ये आपको याद करना होगा, ठीक है? अब ये कैसे होता है वो मैथ्स वाले सर बताएंगे, ठीक है? फिजिक्स में हमको बस ये समझना है, इस फॉर्मूला को समझना है और इस फॉर्मूला को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक। cos x by dx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, या इसको बोल सकते हैं कि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, tan x का डिफरेंशिएशन sec square x, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x square x, sec x का डिफरेंशिएशन sec x into tan x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x into cot x, x to the power n का डिफरेंशिएशन n x to the power n minus 1, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी है, x to the power n का डिफरेंशिएशन nx to the power n minus 1, इसको आप ऐसे समझिए, जैसे y equal to x to the power 3, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो गया कि x के बदलने से y बदल रहा है ना? तो क्या निकालेंगे, dy by dx, तो क्या हो जाएगा, dy के जगह पे क्या जाएगा वो, x cube बटा dx, तो dy by dx equal to, अब x cube का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो x to the power n है ना, इस पे चले आएंगे, x to the power n, तो क्या लिखा हुआ है, n x to the power n minus 1, तो यहां पे n कितना है, तो जो पावर में है 3, तो n x to the power n minus 1, तो 3 क्या आ जाएगा सामने, n के जगह पे x to the power n कितना है 3 minus 1, तो कितना हो गया, dy by dx equal to 3x square, यही आंसर हो गया, समझ में आ गया? फिर से एक कर लेते हैं, जैसे कि y equal to 5x square, है ना? तो dy by dx, क्यों dy by dx, क्योंकि x के बदलने से y बदल रहा है, तो dy by dx, तो यहां पे क्या लिखाता है, लिखाएगा d y के जगह पे 5x square by dx, देखिए 5, 7, 3, 9, 2, 4, ये सब एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है, जिसका मान फिक्स है, जिसका वैल्यू क्या है, फिक्स है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट टर्म जो होता है उसको हम लोग डिफरेंशिएशन से बाहर कर देते हैं, तो 5 यहां पे क्या हो, कांस्टेंट, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो अब लिखने का तरीका क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स, ठीक है, क्या हो गया 5 इंटू, अब ये किस फॉर्मूले पे आ रहा है, तो आंसर है किस फॉर्मूले पे, एक्स स्क्वायर, तो क्या लिखा जाएगा, 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, तो कितना हो गया 5 2 10, एक्स टू द पावर 1, तो ये डी वाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 10 एक्स टू द पावर 1, यानी कि 10 एक्स, समझ में आ गया? अब और क्वेश्चन देखेंगे इस पे, जब हम लोग क्वेश्चन का सीरीज बनाएंगे तब इस पे और क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 8 है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 by x, e to the power x का डिफरेंशिएशन, e to the power x, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 क्यों होगा, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे कांस्टेंट क्या है, जैसे कि आपको कोई इक्वेशन दे दिया y equal to 5, क्या किसी के बदलने से y बदलेगा, तो आंसर है नहीं। तो अगर हम मान लेते हैं यहां पे कुछ नहीं है, तो क्या है, x to the power 0, नहीं समझे, फिर से एक बार, y equal to 5 इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मैथ्स के अकॉर्डिंग 5x to the power 0, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज का पावर 0 क्या होता है, 1, ठीक है? तो अब इसको हम dy by dx लिख सकते हैं, इक्वल टू d
फाइव एक्स टू दी पावर जीरो बाई डी एक्स, तो फाइव क्या है कॉन्स्टेंट, तो बाहर कर देंगे डी एक्स टू दी पावर जीरो बाई डी एक्स। अब ये किस फॉर्मूले पे आ गया, फिर से आपको इस फॉर्मूले पे आ गया है, तो फाइव जीरो एक्स टू दी पावर जीरो माइनस वन, तो फाइव इंटू जीरो कितना होगा जीरो, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया जीरो। आप सिंपल से वर्ड में याद रखिए किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा जीरो। जैसे y इक्वल टू सेवन है तो ये सेवन क्या है कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है जीरो। समझ में आ गया, इस दस फॉर्मूला को आप बहुत बारीकी से याद रखिए, बहुत समझदारी पूर्वक याद रखिए, ठीक है। अब इस दस फॉर्मूला को यूज करके हम कुछ पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन समझाते हैं यहाँ पे, उसके बाद उस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ होमवर्क दिया जाएगा आपके स्क्रीन पे। उस होमवर्क को करके जैसे आपने पहले किया है, पहले आप जिस तरीके से हमारे व्हाट्सएप पे भेजते रहे हैं वैसे ही आज के भी होमवर्क को आप व्हाट्सएप पे भेजिएगा, फिर से उसका अगला लेक्चर हम उसका सॉल्यूशन देंगे। समझ में आ गया, तो बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम लोग डिफरेंशिएशन से रिलेटेड करने वाले हैं जो हमारे फिजिक्स के पोर्शन में यूज होगा, ठीक है। अभी इस फॉर्मूला को देखते हुए हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। जैसे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर ऐसा कुछ है, ठीक है बच्चों। तो ये y किसका फंक्शन है, तो आंसर है x का फंक्शन क्यों है, तो y किस पे डिपेंड कर रहा है x पे, x के बदलने से क्या बदलेगा y बदलेगा, तो हम लोग क्या निकालेंगे dy by dx या dx by dy, तो आंसर है dy by dx, तो हम क्या निकाले dy by dx इक्वल टू dy की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, इतना टर्म लिखेंगे x square plus 3x plus 4 by dx इक्वल टू। अब इसको क्या करेंगे हम लोग स्प्लिट कर देंगे, तोड़ देंगे अलग अलग फॉर्मेट में तोड़ देंगे, तो देखिए कैसे तोड़ते हैं, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी थ्री एक्स बाई डी एक्स, तो इधर मिटा लेते हैं डी फोर बाई डी एक्स, ठीक है बच्चों। अब डी वाई बाई डी एक्स, अब डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स किस फॉर्मेट पे है, तो आंसर इस फॉर्मेट पे है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो n कितना है 2 x टू द पावर 2 माइनस 1, ये सॉल्व हो गया, इसको सॉल्व करने के बाद इतना आया प्लस डी थ्री एक्स, तो 3 क्या है बाबू कॉन्स्टेंट, तो इसको डिफरेंशिएशन से बाहर करेंगे 3 डी एक्स बाई डी एक्स प्लस, अब 4 क्या है एक कॉन्स्टेंट टर्म है, तो एक कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा जीरो, तो प्लस जीरो, तो डीवाई बाई डी एक्स कितना लिखेंगे 2x टू दी पावर 2 माइनस 1 कितना हो गया 1 प्लस 3 डी एक्स बाई डी एक्स कितना कट के हो गया 1, तो 3 इंटू 1, तो डीवाई बाई डी एक्स 2x प्लस 3। अभी आप लोग स्टेप वाइज बनाइए, उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही इसमें इंप्रूवमेंट आप कीजिएगा ना, तो आपके मुंह से आंसर निकलेगा। समझ में आ गया, चलते हैं एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेके आपको समझाते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन है y इक्वल टू 3t क्यूब प्लस 4t, ये क्वेश्चन है, तो पहले तो ये बताइए कि यहां पे क्या करेंगे, dy by dx कि dy by dt कि dy by dv कि dy by dm क्या लेंगे, पहले ये सोचना है। तो देखो t के बदलने से y बदल रहा है, t के अलग अलग वैल्यू को रखने पे y बदल रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या लेंगे, तो जिसके बदलने से जो बदल रहा है, तो जिसके बदलने से तो वो नीचे होता है, जो बदल रहा है वो ऊपर होगा, तो dy by dt समझ में आ गया इक्वल टू डी वाई के जगह पे क्या डालेंगे बाबू 3t क्यूब प्लस 4t बाई dt, फिर से जैसा हम लोग पढ़े हुए हैं कि इसको क्या करेंगे तोड़ेंगे, तो डी 3t क्यूब बाई dt प्लस डी 4t बाई dt, तो 3 क्या है एक कांस्टेंट टर्म है, 3 को क्या करेंगे बाहर करेंगे, तो dt क्यूब बाई dt
प्लस फोर कॉन्स्टेंट है बाहर करेंगे डी टी बाई डी टी, थ्री इंटू टी क्यू, टी क्यू को सॉल्व करेंगे इसको फिर से वही फॉर्मेट पे, तो थ्री इंटू टी टू दी पावर थ्री माइनस वन प्लस फोर डी टी बाई डी टी कितना हो गया वन, तो थ्री थ्री जार नाइन टी स्क्वायर प्लस फोर ये डीवाई बाई डी टी आ गया। समझ में आ गया, देख लीजिए एक बार पॉज मार के इसको सॉल्व करने का खुद से कोशिश कीजिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि y बराबर थ्री एम टू दी पावर माइनस फोर प्लस टू एम टू दी पावर थ्री, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो डिफरेंशिएट करना है, तो पहले तो ये हम समझेंगे किसके रिस्पेक्ट में। तो यहां पे देखिएगा m के अलग अलग वैल्यू पे, क्योंकि ये सारा थ्री टू ये सब तो कांस्टेंट है बाबू, तो m के बदलने से y बदल रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे dy by dm, m के बदलने से y बदल रहा है। पहले भी आपको समझा चुके हैं जैसे कि पापा के बदलने से बेटा बदलता है, तो डी बेटा बटर डी पापा, पापा के बदलने से ना तो पापा नीचे चले जाएंगे, ठीक है, जिसके रेस्पेक्ट में वो नीचे आ जाता है। तो डी वाई बाई डी एम, तो इसको सॉल्व करेंगे डी थ्री एम टू दी पावर माइनस फोर बट्टा डी एम प्लस डी टू एम क्यू बट्टा डी एम, ठीक है बच्चों। डी वाई बाई डी एम, थ्री क्या है ना एक कांस्टेंट है बाहर कर दूं, तो डी एम टू दी पावर माइनस फोर बाई डी एम प्लस टू बाहर कर दूं डी एम क्यू बाई डी एम, घबराने का नहीं, ये माइनस देख के एकदम नहीं घबराइएगा आप लोग, थ्री इंटू एम टू दी पावर माइनस फोर। तो देखो ये तो वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है, तो ये किस फॉर्मेट में आ रहा है, तो आंसर इस फॉर्मेट में आ रहा है। ये फॉर्मेट क्या बताता है, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, और ये भी क्या है वेरिएबल और इसका पावर कांस्टेंट, ये इस फॉर्मेट में आ गया। तो बाबू बोलोगे एन कितना है, एन है माइनस फोर, समझ में आ रहा है ना, एन कितना है माइनस फोर, तो एन के जगह पे क्या डालू यहां पे माइनस फोर, एकदम जैसे जैसे वैसे वैसे कर देना है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब एक्स टू दी पावर एक्स, तो यहां पे क्या है एम ना, तो एम टू दी पावर एन माइनस वन, एन कितना है बाबू माइनस फोर, तो माइनस फोर माइनस वन प्लस टू बाहर कर दिए ना। अब फिर से ये भी किस फॉर्मेट पे है, तो आंसर किस फॉर्मेट पे एम क्यू, एन कितना है थ्री, तो इंटू थ्री एम टू दी पावर थ्री माइनस वन, तो क्या हो गया डी वाई बाई डी एम माइनस ट्वेल्व एम टू दी पावर माइनस फाइव प्लस टू थ्री जा सिक्स एम टू दी पावर टू, ठीक है बच्चों। ये आज हम तीन क्वेश्चन किए हैं, अब आपके स्क्रीन पे जो है कुछ क्वेश्चन आ रहा होगा, इसको पहले देख लीजिए, पॉज मार के देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन आ रहा होगा जिसको आप घर पे बैठ के होमवर्क के रूप में इसको बनाइएगा, ठीक है, और बना के मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पे उस क्वेश्चन को उस होमवर्क को आप डाल दीजिएगा, हम चेक कर लेंगे। और हमारा अगला वीडियो लेक्चर जो होगा, आज जो क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं उसका सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। ऐसे ही हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऑनलाइन क्लास का आनंद लेते रहिए, ठीक है बच्चों। और फिर से बता दूं कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद हमारा ऑफलाइन क्लास चलेगा, इसलिए जिन बच्चों को एडमिशन लेना हो वो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम और पापा का नाम वो भेज दीजिए, ठीक है, जिससे कि आपका सुनिश्चित रहेगा एडमिशन, ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।